हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकास किचन। आज मैं आपके लिए पम्पकिन ओट की टिक्की बना रही हूँ। इस रेसिपी में कैलोरीज बहुत कम है बट हाई इन फाइबर है। आइए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप पम्पकिन ब्लांच किया हुआ है, उसे फिर मैंने मैश किया हुआ है। 1 कप बॉइल्ड पीस मटर है, इसको मैंने बॉइल कर लिया है। 1/2 कप रोस्टेड ओट, 1/4 कप कोरिएंडर चॉप, 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 to 3 ग्रीन चिली चॉप, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड ऑयल टू फ्राई। अब हम सबसे पहले जो पम्पकिन की हम ओट की टिक्की बना रहे हैं उसके अंदर की जो फिलिंग है उसे रेडी करते हैं। इसको बस 1-2 मिनट के लिए हमें सब मसालों में ये अपने मटर को मिक्स करना है और इसे अच्छे से मैश कर लेना है, जिससे कि जब हम इसकी स्टफिंग करेंगे तो ये अच्छे से उसमें फिल हो जाए। पम्पकिन और ओट की ये रेडी कर लेते हैं। जो रोस्टेड ओट है उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसका एक अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे। इसमें थोड़ा सॉल्ट एंड क्यूमिन पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, इसको हम ये अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। हमने ये पम्पकिन और ओट को अच्छे से मैश किया, उसका डो रेडी किया। अब हमने उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये अपने मटर की फिलिंग जो हमने रेडी करी थी ये हम इसके अंदर फिल करेंगे। ये देखिए, ये हमने ऐसे ये लिया, इसको हल्का सा हमने प्रेस किया, हमने इसमें स्पेस बनाई क्योंकि हमें ये मटर की फिलिंग करनी है अंदर, तो हमने हल्का सा इसमें ये स्पेस किया और इसके अंदर हमने ये अपने मटर की जो फिलिंग है ये हमने इसमें फिल कर लिया। और हम इसको अच्छे से इसके अंदर ये सील कर देंगे। ये देखिए, ये हमने इसके अंदर अच्छे से इसकी फिलिंग कर दी और इसको हमने सील कर दिया। ऐसे हम सभी अपने जो ये सब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं पम्पकिन और ओट के मिक्सचर को, ऐसे हम ये सभी अपनी टिक्की रेडी कर लेंगे। हमने इन सब टिक्कियों को रेडी कर लिया है, इसमें अच्छे से हमने इसमें मटर की फिलिंग कर दी है। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। पैन हमारा हॉट हो गया है, अब हम इसमें ये ऑयल डालेंगे। और हमने जो टिक्कियां बनाई है वो हम इस पे रख देंगे और इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। और ये हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे, मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि हमारी जो टिक्की है वो अच्छे से अंदर तक सिक जाए। ये टिक्की हमारी लगता है एक तरह से सिक गई है। अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए, ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम ये सभी टिक्कियों को फ्लिप कर लेंगे। और जो दूसरी तरफ से है उसको भी हम अच्छे से सेक लेंगे। हमारी ये टिक्की दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। अब हम इसको पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे।
ये हम अपनी सभी टिक्कियों को निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये दोनों तरफ से सिक गई है, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको ये हमारी पम्पकिन ओट की टिक्की रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।